दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं शादाब मलिक, आपका दोस्त, आपका भाई। आज एक बहुत अहम टॉपिक पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई ब्रीडिंग मौसम चालू हो गए, अक्टूबर नवंबर स्टार्ट हो गया, और छोटे बच्चों में पॉक्स की बीमारी आती है, माता की फुंसी निकल जाती है बच्चों की चोंच पे, फेस पे। तो उसी के ही टॉपिक पर आज हम ये वीडियो बनाएंगे। ये मेरे पास 5 बच्चे हैं, 4 पंजाबी हैं, 1 मद्रासी है, कालादुबाज। तो इन बच्चों में पॉक्स है, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया, बाहर था, इस वजह से कबूतर में ध्यान नहीं था मेरा, तो इनमें पॉक्स आ गई। तो उनका ट्रीटमेंट के लिए मैंने मेडिसिन भी रखी है, 100% रिजल्ट है ट्रीटमेंट का। तो मैं आज पहले वही बात बताऊँगा जो मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं, जो शौक स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें नॉलेज नहीं है कि कबूतरों में ये बीमारी आती क्यों है, पॉक्स एक्चुअली है क्या, माता की बीमारी क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग कबूतरों का रख रखाव करते हैं, तो कोशिश करो कबूतरों में मच्छर ना हो, क्योंकि सबसे अहम चीज़ यही है कि कबूतर के बच्चों को जो मच्छर काटते हैं ना, छोटे कीड़े काटते हैं, मच्छर काटते हैं, तो उनको पॉक्स हो जाता है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको एक बार, जस्ट वेट। ये एक पंजाबी बच्चा है, इसको कितनी बुरी तरह माता है आप देख सकते हो, ये इसको पॉक्स निकला हुआ है फेस पे। इसी तरह से 5 के 5 बच्चों में यही बीमारी है। तो मैं आज आपको इसी का ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो कोशिश यही करनी है हमें कि कबूतरों के अंदर, कबूतरों जो कुड्डे होते हैं, पेटी होती हैं, वहाँ मच्छर और कीड़ा पैदा ना होने दें। आप मच्छरों से दूर रखें कबूतरों, कीड़े से दूर रखें, क्योंकि कीड़ा काटने से, मच्छर काटने से ही पॉक्स आता है बच्चे के फेस पे, पैरों पर जाता है, फेस पर जाता है। तो उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, घबराइए नहीं, कबूतर सारे ठीक हो जाएंगे, ये बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। थोड़ा कैमरा इधर ले दिखा दो एक बार, ये देखिए मैं आपको शो करा देता हूँ तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एक सिरप है, इसका नाम है उडोक्सिल। ये आम स्टोर पर मिल जाती है, जो मेडिकल स्टोर होते हैं उसमें मिल जाएगी उडोक्सिल। और एक ये टेबलेट है, इस पर थोड़ा सा फोकस करके दिखाना पड़ेगा, नाम समझ में शायद नहीं आ पा रहा क्योंकि फोकस नहीं आ पा रहा कैमरे का ढंग से। इसका नाम है पेंटिड्स 400, इस टेबलेट का नाम है पेंटिड्स 400। नहीं समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा इस तरह से एक बार, ये देखिए पेंटिड्स 400। हाँ तो भाइयों, बस अब मैं इसका आपको तरीका बताऊंगा। इसका जो तरीका रहेगा ये यूज़ करने का और टैबलेट यूज़ करने का, अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताना चाहूँगा, यहाँ गिलास में गर्म पानी था, कहाँ गया? ये एक गिलास में गर्म पानी है, जो मैंने ये ओडोक्सिल जो है ना, ये सिरप बनता है, फिलहाल पाउडर है इसके अंदर, ये अब हम ओपन कर देंगे, ये सील है, सील ओपन। तो इसमें ये ऐसा ऐसा पाउडर आएगा, देखिए ये पाउडर है, ये सिरप के इसके अंदर निकलता है। इस पाउडर में हमें क्या करना है, ये गर्म पानी है, फिर से याद रखिए, गर्म पानी हमने इसमें मिलाया, और गर्म पानी मिलाने के बाद इसको अच्छे से शेक करेंगे यूज करने पहले, बिफोर शेक वेल, करीब कम से कम 2 मिनट इसको हम शेक करेंगे। अभी ये बन गया सिरप, ओके। और ये जो टेबलेट है, एक टेबलेट इसमें से हम निकाल लिए, एक टेबलेट 5 से 6 बच्चों को एक टाइम में दी जाती है, यानी कि इस टेबलेट का 5वां 6टा हिस्सा ही छोटे बच्चों को देना है। ये 400 है, इसमें पेंटिड्स 800 भी आती है, वो हाई है, इसलिए 400 बेस्ट है। तो हम इसके भी टुकड़े करेंगे, फिर हाफ से कम टुकड़ा देना है एक के लिए, ऐसा, ये हाफ से कम टुकड़ा,
इसके हम आधी में से तीन टुकड़ा कर लेंगे, यानी कि एक गोली के छह टुकड़े। तो अब इसमें हमें क्या करना है, पांच बच्चे हैं, दो बच्चों को हम ओडोक्सिल देंगे और तीन बच्चों को हम टेबलेट देंगे। अगर आपको ओडोक्सिल यूज़ करनी है तो एक टाइम मॉर्निंग में आप ओडोक्सिल दे सकते हैं, इवनिंग टाइम में टेबलेट दे सकते हैं। एक साथ दोनों नहीं देना, क्योंकि उसका फिर ज़्यादा पावर हो जाता है, बच्चे का सूख जाएंगे। और देने की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रोक दो यहाँ से। तो देने की प्रक्रिया, ये एक सिरिंज है 5 ml की, इसकी मात्रा एक बच्चे को 1 ml देना है, एक बच्चे के लिए 1 ml, गोली का छठा हिस्सा एक एक बच्चे के लिए एक टाइम में। ये याद रखें कि तरीका क्या है मेडिसिन यूज़ करने का, क्योंकि मेडिसिन सबको मालूम है लेकिन तरीके समझ में नहीं आते तो वो काम नहीं कर पाती अपना अच्छे से। और सबसे आसान ये है बच्चों को, ये छोटे बच्चे हैं, ये देखिए, पहले हम दे देंगे टेबलेट, ये टेबलेट्स है, और बस ऐसे चोंच में डाल दो बच्चों को, बच्चा खुद सुटक लेता है, पानी नहीं देना, पानी देंगे तो उस बच्चों को यू पलटी मारते हैं पानी के साथ, क्यों कड़वाट हो जाती है ना, ये इस तरह से देनी है टेबलेट्स। और ये देखिए बहुत शानदार बच्चे हैं ये, इसकी भी चोंच पे आई है माता, हल्की है इसको तो इसको थोड़ा छोटा टुकड़ा दे देंगे। इसकी भी अब सवाल आता है ओडोक्सिल का, तो ये सिरप हमें देनी है एक बच्चे को 1 ml, तो उसको हम ओपन करेंगे। ये एक 1 ml सिरप है, सिर्फ 1 ml, ये मद्रासी बच्चा है काला दुबाज, मेरी होम ब्रीड है काला दुबाज की, मैं बहुत शौक करता हूं उनका, इसी को हम इसको दे देंगे हम सिरप। इसकी पोजीशन मैं आपको दिखा दूं एक बार कैमरे में, इस बच्चों को किस तरह से पॉक्स है, देखो पूरे फेस में पॉक्स, और उसकी चोंच के अंदर भी माता निकली हुई है, चोंच के अंदर भी पॉक्स है इसको। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, और सब भाई इसी को यूज़ करें, ज़रूर आपका कबूतर जल्दी ठीक हो जाएंगे। बच्चों की बीमारी, क्योंकि हम लोग ब्रीडिंग में कबूतर रखते हैं, सबसे बड़ी बात है ब्रीडिंग के लिए जो कबूतर होते हैं भाई वो बहुत अच्छे कबूतर होते हैं, और बड़ी मुश्किल से कबूतर 17-18-20 दिन में बच्चा निकालता है अंडे से, उसके बाद फिर 1.5 महीने में बच्चा पूरा होता है। तो 2 महीना प्रोसेस होने के बाद एक बच्चा बना, फिर उसको माता ने घेर लिया, ये मर गया, कोई फ़ायदा नहीं। तो बेटर है इसका ट्रीटमेंट पर आप अच्छे से ध्यान करें। ये बच्चा है, इसको हम आराम से पकड़ लेंगे, दे दी इसको भी, ये देखिए हालत, देखो बच्चों की हालत कितनी कमज़ोर हो चुकी, इनकी बीमारी ने शिकार कर लिया इनका, ये सब ठीक हो जाएंगे बच्चे। तो भाइयों ये ट्रीटमेंट था बच्चों की माता का इलाज पॉक्स का, और आगे मेरी वीडियो को आप अच्छे से देखते रहें, और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि जितने आप भाइयों को मेरे ऊपर कमेंट्स होंगे भाई तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भाई कमेंट्स करते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं। और अभी भाई मैं बहुत दिल से शुक्र मान दूँ आप सभी भाइयों का कि मेरा चैनल ग्रोथ पकड़ रहा है, आप लोग बहुत सब्सक्राइबर कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच ऑल सब्सक्राइबर ऑल व्यूवर्स, बस आपका सपोर्ट मेरे साथ बना रहा है तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियो शूट करूँगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।